Hello students, I am your math teacher. Today we'll discuss about class 9 NCERT lesson Introduction to Euclid Geometry. This is part 3 video. In this video, we'll discuss about example number 2. So example number 2 mein kya diya hai? Prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. Hame kya pucha hai ki इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्ट हो सकता है क्या एनी गिवन लाइन सेगमेंट कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट ले करे तो सो यहाँ पर देखो हमें यूक्लिड के एक्सियम मालूम है. फर्स्ट एक्सियम क्या है थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल मतलब एक दूसरे पर इक्वल होना है. अब यहाँ पर देखो उसी एक्सियम से लेकर हम ये सॉल्व करेंगे किस तरह से देखो अकॉर्डिंग टू दी एक्सियम वन वी हैव अकॉर्डिंग टू द एक्सियम वन वी हैव क्या है एक्सियम्स आपका थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स Things which are equal to the same things are equal. क्या बताएं? Things which are equal to the same things are equal. ये हमें एक्सियम मालूम है. मीन्स क्या होगा यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है अगर एक लाइन मतलब AB is equal to equilateral triangle find out करना है BC is equal to AC. क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था इन शॉर्ट में अगर आपको क्या है ए बी इक्वल टू क्या है यहाँ पर बी सी है और बी सी इक्वल टू क्या है ए सी है तो ऑलरेडी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा. तो यही कंस्ट्रक्ट करके मतलब अकॉर्डिंग टू द क्या है एक्सियम के हिसाब से तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आपकी एक लाइन सेगमेंट है. ओके लाइन सेगमेंट है ये AB एक लाइन सेगमेंट है तो सेम मेजरमेंट लेना है कंपास से. अब मैं यहाँ पर कंपास नहीं है तो यहाँ पर सेम मेजरमेंट लेना है कंपास से. टेक A एज अ सेंटर A सेंटर से लेकर क्या करना है आर्क निकालना है. देन वैसे यहाँ पर कंपास रखना इस तरह से आर्क निकालना है. सिमिलरली टेक B एज अ सेंटर B सेंटर लेकर एक आर्क निकालना है. ओके तो ये आर्क इस तरह से बन जाएगा. देन ये पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर तो ये होगा आपका ये पॉइंट ज्वाइन कर देना. ये क्या होगा यहाँ पर पॉइंट ज्वाइन कर देना ये होगा आपका ए सॉरी ये आपका हो जाएगा सी. ओके ये पॉइंट सी हो गया ए बी सी या फिर इसको भी ए ले सकते हैं या बी सी ले सकते हैं. ओके कोई दिक्कत नहीं. तो ये होगा सेम मेजरमेंट मीन्स ये ऑल साइड क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी. तो यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर ऑल साइड मीन्स क्या होगा यहाँ पर ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी ऑल साइड क्या हो जाएंगे ये इक्वल्स हो जाएंगे. और ये हमारा ये क्या है रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सा है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है. कौन सा है इक्विलैटरल ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल से हमारा जिसकी ऑल साइड क्या है ऑल साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी क्या है यहाँ पर इक्वल है. तो ये हमें मतलब प्रूफ करके बताना था कि प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्शन ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट. तो ये गिवन लाइन सेगमेंट है अगर ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट अगर गिवन है तो उससे हम कंस्ट्रक्शन से निकाल सकते हैं. इसलिए अकॉर्डिंग टू द एक्सियम वन वी हैव थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल देयरफॉर क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी. मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर पूरा लिख कर कि अपनी एक्सियम क्या है ए बी अगर बी सी को इक्वल है बी सी और ए सी को इक्वल है तो ऑलरेडी ए बी का ए सी को इक्वल होगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा ऑल साइड कैसे रहते इक्वल रहते हैं. तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करके बताया था. तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी क्या मिला इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है. ओके थैंक यू.